अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तब भी ये गाड़ी हम आपको मतलब फाइनेंस करके दे देते हैं। 10,000 में आप फाइनेंस कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। इसमें कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? इसमें भी वही लगभग 10-15,000 के आसपास आप इसको देते हैं तो इसमें फाइनेंस हो जाएगा। देख सकते हैं कि अभी जो हम ब्रांड पे लेकर के आए हैं 10-15,000 में लेकर के आना है और न्यू गाड़ी आपको फैमिली आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो दोस्त आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में सभी लोग मस्त होंगे। तो थैंक यू दोस्त, आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं न्यू कलेक्शन, जो आपको सामने में दिखाई पड़ रहा होगा बहुत सारा जो गाड़ी है यहाँ पे लगा हुआ है और न्यू ब्रांच पर आज हम पहुंचे हुए हैं। तो जैसे में क्या है दोस्त की देखिए, आज हम हुंडा का जो भी शोरूम है, न्यू जो ब्रांच है, आज वहां पे पहुंचे हुए हैं और सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्त देखिए, जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं वो जगह फाइनेंस फैसिलिटी का सुविधा है कि नहीं है और यहाँ तक कि गाड़ी कौन कौन से जगह पर कौन कौन से इनके पास अवेलेबल है और इनसे बात करते हैं कि फाइनेंस फैसिलिटी का सुविधा है कि नहीं है और कौन कौन सी गाड़ी है इनके पास लगा हुआ है, कौन सी जगह ब्रांच है। और अभी सामने में आपको नजर आ रहा होगा कि दशहरा, दीपावली, छठ पूजा एवं सामने में आपको धनतेरस भी नजर आ रहा होगा। ये जानकारी भी आपको देने वाले हैं कि आपके पास धमाका ऑफर कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। तो दोस्त क्या है कि यहाँ का ऑनर आज हम आपको मिलाते हैं और सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्त की देख सकते हैं कि यहाँ पे भी होंडा का गाड़ी लगा हुआ है, बगल में भी लगा हुआ है। इधर में देख सकते हैं कि स्कूटी भी लगा हुआ है, इधर भी स्कूटी लगा हुआ है, बगल में ब्लैक कलर का चमचमाता हुआ एकदम होंडा का गाड़ी लगा हुआ है, उधर भी गाड़ी लगा हुआ है। सारी जानकारी यानी कि फाइनेंस फैसिलिटी के साथ आज हम आपको इस वीडियो के अंदर में बताने वाले हैं। तो आपको वीडियो पर यानी कि एंड तक बने रहना है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलते हैं यहाँ का ऑनर से हम मिलाते हैं आपको, अब पूरा धमाका ऑफर आज हम आपको दिलवाते हैं। तो यहाँ का ऑनर से सबसे पहले हम मिलाते हैं, सबसे पहले ऑनर से हम बात करते हैं कि कौन सी जगह पे ब्रांच है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं और बताते हैं। तो भैया आपको मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले भैया मेरे ऑडियंस को जवाब चाहिए कि ये कौन सी जगह पे आपका ब्रांच है। ये रमना मार्केट से जब ब्लॉक की ओर आप बढ़ते हैं जी सर, तो बस मेन रोड पे ही आपको ये पड़ता है हमारा ब्रांच होंडा का जी सर। और जस्ट हमारे सामने में कस्तूरबा गर्ल्स कॉलेज भी है, ब्लॉक भी है और इधर थाने मतलब थाना जाने का रास्ता भी। और तो देख सकते हैं कि अभी हम जिस जगह पहुंचे हुए हैं यानी कि रमना मार्केट से थोड़ा सा आगे निकलिएगा तो सामने में यानी कि आपको हाई स्कूल नजर आएगा, बगल में आपको थाना भी नजर आएगा, उसके सामने में कस्तूरबा विद्यालय है, बगल में आपका यानी कि आपको क्या होता है कि ब्लॉक भी पड़ेगा, उनके सामने यानी कि 75 पर इनका ब्रांच है। तो अभी हम हुंडा का भैया हुंडा का भी जो न्यू शोरूम है अभी वहां पे पहुंचे हैं। भैया से हम एक बार नाम पूछना चाहते हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, कमलेश कुमार सिंह से अभी हमको ब्रांच में बात हो रहा है, अगले विषय में बात करते हैं। भैया ब्रांच का नाम क्या होगा? सोहद्रा ऑटोमोबाइल। अच्छा, होंडा। तो देख सकते हैं कि होंडा में अभी हम पहुंचे हुए हैं, अभी हम सारा जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले भैया देखिए, अभी हमने हिंदू धर्म का जो भी अभी हम लोग का महत्वपूर्ण पूजा जो होता है दशहरा, दीपावली, छठ पूजा एवं सामने में आपको धनतेरस नजर आ रहा होगा, अभी कुछ ऑफर भी आपके तरफ से ब्रांच की तरफ से है? अभी ऑफर में हम लोग जैसे गाड़ी अगर कोई लेते हैं तो कुछ उस पर डिस्काउंट वगैरह हो जाता है,
अगर कोई डिस्काउंट नहीं लेना चाहते हैं तो एक आध हेलमेट हम लोग दे देते हैं गिफ्ट के, कुछ गिफ्ट आइटम गाड़ी के साथ हम लोग दे देते हैं। तो देख सकते हैं कि इनके पास क्या है कि अभी जो भी गाड़ी अभी हमारे ऑडियंस लेंगे इस चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी आकर कभी दशहरा दीपावली यानी कि छठ पूजा के अवसर पर जो भी गाड़ी निकालेंगे उनको कुछ ना कुछ आपको ऑफर में दिया जाएगा। तो चलते हैं आज पूरी गाड़ी का जानकारी और पूरा डिटेल सभी कौन कौन से इनके पास गाड़ी अवेलेबल है, यहाँ तक कि गाड़ी आने वाली है कि नहीं आने वाली है वो भी जानकारी लेने वाले हैं। फाइनेंस फैसिलिटी के साथ आज हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप वीडियो को डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि देखिए अभी जो ऑफर निकलेगा ना तो धमाका ऑफर निकलेगा, आपको कुछ ना कुछ नॉन एक्सेबल करके दिया जाएगा। तो भैया आज हमको जानकारी दे जाए कि कौन कौन सा गाड़ी आपके पास अवेलेबल लगा हुआ है। हमारे पास होंडा का सारा गाड़ी रहता है जिस रेंज में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बिकता है, जैसे SP125 हो गया, एक्टिवा हो गया, लीवो हो गया, CD110 हो गया जी। तो ये सब गाड़ियां यहाँ पे ज्यादा निकलती हैं, तो ये सब गाड़ी हमारे पास सारा। तो चलते हैं भैया कुछ गाड़ी का भी हम लोग जानकारी लेते हैं, आते हैं हम लोग कौन कौन सा गाड़ी अभी आपके पास अवेलेबल में लगा हुआ है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये CD110 है, ये 74 के माइलेज पे आता है ये गाड़ी जी। और ये 1 लाख के अंदर की गाड़ी है आपकी और सबसे दमदार गाड़ी है ये हमारा। माइलेज का बात करें 74 का माइलेज, 74 का माइलेज दे देगा। तो देख सकते हैं कि जो होंडा की जो भी गाड़ी हम आपको दिखाने वाले हैं 74 का माइलेज भैया बता रहे हैं कि ये आपको दे जाए। तो सबसे पहले भैया इसके कुछ फीचर के बारे में बताया जाए जनता करके। इसमें देखिए दमदार ये इसलिए है क्योंकि ये रफ एंड टफ गाड़ी है, आप ऑफ रोडिंग वगैरह कर सकते हैं, अगर सामान वगैरह ढोना है तो वो भी आप इसके कैरियर पे पूरा ये कर सकते हैं, ठीक है। एलॉय व्हील के साथ आपको सेल्फ स्टार्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है इसमें, सब चीज मिल जाता है। क्या इसका डिमांड है भी? ये गाड़ी तो अच्छा निकलता है, गाँव में बहुत सारे लोग लेते हैं, जैसे सामान सब्जी वगैरह ढोने के लिए, दूध वगैरह ढोने के लिए ये बहुत लोग यूज करते हैं इसका। तो भैया एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि ये बताइए कि अभी जिस ब्रांच पर पहुंचे हुए हैं यहाँ पे फाइनेंस फैसिलिटी का सुविधा है कि नहीं? मेरे ऑडियंस सबसे ज्यादा फाइनेंस फैसिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं कि भैया हमको फाइनेंस जहाँ फैसिलिटी हो जाएगा ना, जहाँ फाइनेंस करो तो वहाँ पे हमको लेकर के चलिए। तो आपके पास क्या है कुछ बताइए मेरे ऑडियंस। बिल्कुल, हमारे यहाँ फाइनेंस को लेकर के सारे मतलब फाइनेंसर हमारे यहाँ रहते हैं, जैसे हिंदुजा हो गया, श्रीराम हो गया, बजाज हो गया, चोला हो गया, सारे फाइनेंस सारी कंपनी से हमारा फाइनेंस हो जाएगा। और तो और अभी फेस्टिवल सीजन आने वाला है तो फेस्टिवल सीजन में हम लोग फाइनेंस में भी ऑप्शन दे रहे हैं, मिनिमम डाउन पेमेंट आपके पास जितना कम से कम हो जाए। ये छोटी गाड़ी जो हमारी साइन 100 जो आती है ये 10,000 के अंदर अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं तब भी ये गाड़ी हम आपको मतलब फाइनेंस करके दे देते हैं, 10,000 में फाइनेंस कर दीजिएगा जी। बिल्कुल, इसमें कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा बताइए? इसमें भी वही लगभग 10-15,000 के आसपास आप इसको देते हैं तो इसमें फाइनेंस हो जाएगा। देख सकते हैं कि अभी जो हम ब्रांड पे लेकर के आए हैं 10 से 15,000 पर लेकर के आना है और न्यू गाड़ी आपको यानी कि यहाँ से लेकर के होंडा का जाना है। तो सबसे पहले क्या है जो कि देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कीजिए उन दोस्तों को शेयर कीजिए कि जहाँ पे भी गाड़ी लेने का अवसर है, जो आपको बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं आपको फाइनेंस फैसिलिटी में कम प्राइस में गाड़ी दिवाया जाए। तो हम फिर से बात करेंगे बगल वाली गाड़ी में क्या डिमांड है सर, बताया जाए ये ये होंडा की साइन सबसे मतलब सस्ती और सबसे अच्छी गाड़ी में से एक है ये साइन 100। ये आपका 80,000 के आसपास में आ जाता है, इसकी माइलेज भी दमदार है, 70+ का इसका भी माइलेज है जी। और इसमें भी लगभग सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, नॉर्मली जो सेल्फ स्टार्ट है, एलॉय व्हील है, ठीक है, ये इसमें ये सब चीज आ जाता है। अच्छा। माइलेज की वजह से ये सबसे ज्यादा बिकता है और ऑफ रोडिंग की वजह से ये सबसे ज्यादा बिकता है। एक तो एक पतली गाड़ी है, छोटी गाड़ी है तो सब लोग ले लेते हैं, जो स्प्लेंडर लेना चाहते हैं वो आराम से इसमें देख सकते हैं क्योंकि स्प्लेंडर से ज्यादा माइलेज है, स्प्लेंडर से ज्यादा अच्छा साउंड है, पिकअप है, बढ़िया है। तो भैया एक चीज तो है कि जितने भी हमारे होंडा की जो गाड़ी चलाते हैं सभी लोग यानी कि रफ एंड टफ गाड़ी, जैसे होंडा के जो भी आपको उसमें पार्ट मिलेगा यानी कि इसका बहुत ज्यादा मजबूत मिलता है, टीवीएस से भी बहुत ज्यादा मजबूती रहता है। तो भैया इसमें भी फाइनेंस हो जाएगा? हाँ, फाइनेंस सारी गाड़ी इसमें तो 10,000 के अंदर में निकल जाएगा, 10,000 में निकल जाएगा। कितना डिमांड है इसका नहीं में प्राइस इसमें किसका? हाँ, प्राइस इसका 83,300 कुछ रुपए ऑन रोड। ऑन रोड चलिए बगल में बात करते हैं नेक्स्ट गाड़ी क्या डिमांड है, बता दीजिए ये पहले बता दीजिए कौन सा गाड़ी है। ये होंडा का SP125 है जी। सबसे ज्यादा होंडा का बिहार झारखंड में बिकने वाला गाड़ी आपका यही है, इसमें ओवरऑल एवरीथिंग सब कुछ आपको फैसिलिटी मिल जाता है, न्यू लुक, न्यू डिजाइन, एलॉय व्हील, डिस्क,
सेल्फ स्टार्ट, डिजिटल मीटर, एलईडी, आप तो एवरीथिंग सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। और सबसे ज्यादा ये गाड़ी हमारा निकलता है यहाँ पे। सर इसका भी डिमांड क्या है? इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर कहा जाए तो अगर 10 गाड़ी में अगर बेचता हूँ तो 6-7 गाड़ी में ये निकालता हूँ। अच्छा, इसका प्राइस अभी क्या चल रहा है? इसका प्राइस आपको 1,12,000 के आसपास है। माइलेज किसका बात किया जाए तो माइलेज इसका अच्छा है। माइलेज कंपनी क्लेम जो करती है वो 65 का क्लेम करती है, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक है वो 70 तक का माइलेज बोलते हैं कि हमको 70 तक माइलेज देता है। इसमें भी फाइनेंस हो जाएगा, ये 20-25,000 में आपको निकल जाएगा। चलिए तो देख सकते हैं कि जो आप लोग जो अभी हमको गाड़ी दिखाए, यानी कि 20-25,000 रुपए आपको लेकर के आना है। और उनका SP है भैया? हाँ, SP 125। हाँ, उस जो जो गाड़ी आप देखे, यानी कि 20-25,000 रुपए लेकर के आना है और गाड़ी आपको न्यू गाड़ी से लेकर के जाना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी यानी कि वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे गाड़ी तो है ना, अभी दशहरा दीपावली और धनतेरस पर आपको ऑफर भी दिलवाने हैं। चलते हैं बाबू, अब हम लोग बगल वाली गाड़ी में बात करते हैं। अभी इनके पास बहुत सारा गाड़ी है जो आप लोग हम दिखाने वाले हैं और आपको टाइम जरूर बने दीजिएगा। चलते हैं, हम लोग यहाँ से बात करते हैं जी, इसके बारे में बात करते हैं। क्या डिमांड है इसके बारे में? ये SP 125 ये भी है, लेकिन ये ड्रम में है, जैसे वो हमारा डिस्क में था ये ड्रम में है, ये उससे थोड़ा सा 4,000-4,500 रुपए सस्ती पड़ती है ये। अच्छा, सेम माइलेज, सेम एवरीथिंग, सब कुछ, बस डिस्क आपका इसमें नहीं रहता, ये ड्रम में आता है। अच्छा, क्या कलर में गाड़ी आता है? ये 6 कलर में आता है, SP 125 आता है 6 कलर में। आपका एक हो गया ब्लैक कलर हो गया, ये PS ब्लू कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ग्रे कलर हो गया और एक रेड कलर हो। अच्छा, सारे यानी कि कलर आपके पास अवेलेबल है? सारे कलर अभी अवेलेबल है, लेकिन शोरूम पे अभी सारे कलर नहीं है। अच्छा, अभी शोरूम पे बस है। अगर मेरे ऑडियंस अगर चाहते हैं कि हमको पूरा चाहिए, जो कलर का कैटलॉग में चूज करेंगे वो मिल जाएगा ना, तो देख सकते हैं कि इनके पास जो गाड़ी है 2-4-5 आपको दिखाने के लिए है। और यहाँ तक की जो गाड़ी आप कैटलॉग में चूज कीजिएगा जो कलर है, वो गाड़ी आपको पूरा हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए अगर ये गाड़ी पर कुछ कलर में भी डिस्काउंट है? कलर पे कुछ नहीं है, कलर पे कोई वैसा नहीं है, सारे कलर में सेम रेट आपको मिलेगा। कलर को रे करके रेट वगैरह कुछ वैसा नहीं है कि इसका एक्स्ट्रा है, इसका कम है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो इसका प्राइस क्या चल रहा है? इसका पड़ेगा 1,75,000। 1,75,000। अच्छा, 1,07,500 में गाड़ी आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको फाइनेंस करने का बात करते हैं, इसमें कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? सेम वही 20-25,000 का नहीं निकल जाएगा। कितना? 20-25,000 में ये बनता है। अच्छा, 20-25,000 पर लेकर के ना, यानी कि लेकर के ना, अभी कुछ ऑफर भी दे रहे हैं अपने ब्रांच की ओर से? अभी अपने ब्रांच की ओर से गाड़ी पे कुछ डिस्काउंट वगैरह हम लोग दे रहे हैं, या फिर अगर डिस्काउंट है तो कुछ गिफ्ट आइटम वगैरह हम लोग इस पे दे, जैसे इसमें देखिए सीट कवर वगैरह हम लोग इस पे दे देते हैं, सीट कवर हो गया, लेग गार्ड हो गया, हैंड ग्रिप हो गया, ये सब हम लोग दे देते हैं। तो जितना गाड़ी आपको दिखा रहे हैं सब गाड़ी नाम ट्रांसफर करा के मिलेगा ना? नाम ट्रांसफर क्या, न्यू गाड़ी तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। चलिए, न्यू गाड़ी तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे ऑडियंस कहते हैं भैया इंश्योरेंस अभी कितना दिन का मिलेगा, ये चीज के बारे में कुछ जानकारी दिया जाए। देखिए, इंश्योरेंस जो नई गाड़ी पे मिलता है वो थर्ड पार्टी मिलता है, टोटल 5 साल का। 5 साल और फर्स्ट पार्टी 1 साल का होता है। फर्स्ट पार्टी 1 साल, ये तो सब जगह वाला नियम है। अब लोग फिर से बात करते हैं बगल वाली गाड़ी, क्या डिमांड है सर इसके बारे में कुछ बात बताया जाए, कौन सा गाड़ी है? ये गाड़ी हमारा लीवो है जी सर, ये गाड़ी हमारा लीवो है जी। ये ड्रम में है, ये 1,00,000 के अंदर में ये स्टाइलिश गाड़ी। अगर जो SP 125 जो नहीं लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा लुक अच्छा पसंद करते हैं, थोड़ा सस्ते में लेना चाहते हैं, वो लीवो में जा सकते हैं। लीवो में भी आपका सारा फैसिलिटी मिल जाता है, डिजिटल मीटर मिल जाता है, सेल्फ स्टार्ट मिल जाता है, इसमें भी सारा। इसमें अगर डिस्क लेना चाहते हैं तो डिस्क में भी आता है, ड्रम लेना चाहते हैं तो ड्रम में भी आता है, ड्रम में भी आता है, सारी चीज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक आपके पास यानी कि जो सर्विस करने का भी व्यवस्था होगा? बिल्कुल व्यवस्था है ना। हाँ। तो देख सकते हैं कि जिस ब्रांच पर हम पहुंचे हैं, उस ब्रांच पर आपको सर्विस करने की भी व्यवस्था मिलेगा। और जो गाड़ी आप लीजिएगा, उस गाड़ी में यानी कि आपको यानी कि अभी के समय में यानी कि कुछ से कुछ धारा पॉली और धनतेरस सुबह आपको कुछ से कुछ आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा। आप बात करते हैं बगल में स्कूटी, बहुत सारा स्कूटी यानी कि इनके पास भी लगा हुआ है। यहाँ पे जो ब्रांच है, ब्रांच में 2 है और बाकी सब इनके पास गोदाम में गाड़ी है। अब लोग फिर से बात करते हैं भैया स्कूटी का क्या डिमांड है इसके बारे में? ये दोनों सेम गाड़ी है, दोनों एक्टिवा है जी सर। ये एक्टिवा 110cc है जी, ठीक है। ये ब्लैक कलर है, ये हमारा ब्लू कलर है जी। सेम डिजाइन में, सेम मॉडल में है। ये आपको 1,04,000 का आता है। इसमें इसका माइलेज भी अच्छा खासा है, 60+ का माइलेज इसका, 65 का कंपनी क्लेम करती है इसमें। अच्छा, माइलेज 65 दे देगा। इसका क्या डिमांड है सर? इस एक्टिवा तो ऑल ओवर इंडिया सबसे हाईएस्ट सेलिंग मॉडल है ये हमारा। अच्छा, सबसे ज्यादा स्कूटर में अगर कुछ गाड़ी बिकता है तो वो एक्टिवा बिकता है। क्या प्राइस है इसका? इसका भी 1,04,000 रुपए। 1,04,000 फाइनेंस हो जाएगा? हाँ।
इसमें 20,000 रुपए के 20,000 रुपए लेकर ही गाड़ी लेके जाइए। तो 20,000 आप लेकर के हैं और गाड़ी यानी कि स्कूटी लेकर के जाए, जो ब्लैक कलर में आपको बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, हमारे जो भी माता बहन है बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि भैया हमको ब्लैक कलर में स्कूटी चाहिए, तो हम आपके लिए रमना में यानी कि लेकर के आए हैं स्कूटी। ठीक ना, अब हम लोग बात करते हैं फिर से भैया, आप एक ये बताइए कि कौन सी जगह आपका ब्रांच है। ये ब्रांच हमारा NH 75 पे है, मेन रोड आप सामने देख सकते हैं, NH 75 पे हमारा ब्रांच है। रमना से जस्ट 1.5 किलोमीटर जब आप दादर की ओर बढ़ेंगे राइट हैंड साइड पे आपको ये हमारा ब्रांच पड़ेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड, हाँ, ब्लॉक से पहले। तो देख सकते हैं कि अभी हम रमना में पहुंचे हैं, हुंडा का यानी कि शोरूम है, और प्लस में कि जो आपको नया गाड़ी का जो आपको बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं कि दशहरा दीपावली छठ पूजा के सुबह सुबह कुछ हमको नया गाड़ी दिखाइए, तो हम आपके लिए बहुत सारा गाड़ी आपको दिखाएं, और भैया के पास अभी कुछ ना कुछ आपको ऑफर में गिफ्ट दिया जाएगा। तो जैसे में क्या है कि आप लोगों को जिनको भी गाड़ी लेने का जरूरत पड़े ना, तो हमारे सर से संपर्क करें, दिए गए नंबर से कॉल करें। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मार्केट में रमना मार्केट में आकर के फोन भी कर सकते हैं, और यहां तक इनका एड्रेस जो बताया है एड्रेस पर किसी से जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो नया कलेक्शन आएगा उस पर हम लोग बात करेंगे। जब दशहरा दीपावली जब हम लोग का महत्वपूर्ण पूजा जो चढ़ जाएगा ना, उस पर बात करेंगे कि क्या ऑफर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से वीडियो को अब एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक से जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।